हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। आज हम तैयार करने वाले हैं तलवार, दो तारी तलवार जो दोनों तरफ से शार्प होती है। तलवार तैयार करने के लिए मैं इस पत्ति का प्रयोग करने वाला हूं। इसके बारे में मैंने पहले ही बहुत बताया हमारी, और पहले जो मैंने वीडियो बनाई है धनुष पर और क्रॉसबो पर, मैंने इसी पत्ती का प्रयोग किया है। ये पत्ती हार्ड स्टील से बनी हुई होती है और इसे हम छुरी कहते हैं पंजाब में। इसका मेन काम जो कही होती है मिट्टी खोदने के लिए, उसके आगे इसको लगाया जाता है काट कर। जितनी कही होती है उतना पीस काट लिया जाता है तो आगे लगा दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा शार्पर होती है और एक सिरा इसका आप देख सकते हैं, ये शार्पर किया होता है। तो अभी मैं इसकी तलवार तैयार करूँगा। और अभी ये मेरे पास जो पीस है ये 2.5 फुट लंबा है, काफ़ी है। अगर हम नई छुरी लेकर आते हैं तो उसकी लंबाई 3.25 फुट होती है। तो 8-9 इंच का जो पीस है वो कही के आगे मैंने लगा दिया था, तो अभी इतना पीस काफ़ी है तलवार बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, हमारा मेन पार्ट तो यही है। इसकी एक खासियत और भी है, अगर हम ट्रक की कमानी की तलवार तैयार करना चाहें तो पहले उसे गर्म कर पतली करना पड़ेगा और उसके बाद हम तलवार तैयार करेंगे। लेकिन इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, आसान हो जाता है काम, कि हमारे पास जो पत्ती है हार्ड स्टील ये पहले से ही हमारे पास बिल्कुल सही होती है और अभी हमें काट कर एक तलवार ही तैयार करनी है। तो पत्ती तो हमारे पास बिल्कुल रेडी है, लेकिन इससे तलवार बनाना है उसका भी प्रोसेस काफ़ी हो जाता है। तो ठीक है, अभी हम एक बेहतरीन तलवार तैयार करते हैं, दो तारी तलवार। तो ठीक है दोस्तों, काम पर लगते हैं।
तलवार बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे हम खंडा कहते हैं। इस तलवार को खंडा कहा जाता है, दो धारी तलवार को खंडा कहते हैं पंजाब में। और अभी आप ये जो मुट्ठा देख रहे हैं, ये जो लकड़ी लगाई गई है, इसके अंदर फेविक्विक की बारिश की गई है, जिसके कारण पूरी लगा दिया मैंने फेविक्विक, जिसके कारण ये जो मुट्ठा है ये उखड़ेगा नहीं, क्या कहते हैं हिंदी में, तो ठीक है। अभी आप देखकर बताइएगा, लुक देखकर, इसकी जो डिज़ाइन हमने तैयार किया है ये देखकर आप बताइएगा कि आपको ये तलवार कैसी लगी, और इसकी शाइनिंग से आप अगर खुश हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। शाइनिंग आपको दिखाऊं तो मेरा फेस देख लीजिए, देखिए मेरा फेस कमाल है ना, देखो। और अगर मोबाइल दिखाऊं आपको, देखो, और इधर से ये देखो। तो दोस्तों, शाइनिंग के मामले में मैंने एक दिन लगा दिया इसे पॉलिश करने में। जी हाँ, एक दिन लग गया है। अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, मैंने पूरी डिटेल दी है। तो एक दिन पूरा मुझे लग गया इसे पॉलिश करते हुए। और ये आप जो फिरकी देख रहे हैं, ये तीसरी फिरकी है जो मैंने इसके ऊपर लगाई है। तो यकीन कीजिएगा, एक दिन पूरा लग गया इसे पॉलिश करने में। तो इसी के कारण आप देख रहे हैं इसकी जो शाइनिंग है कितनी अच्छी लग रही है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप कमेंट कीजिए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, दो तारी तलवार का लुक शाइनिंग कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त, अगर आप नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब आने वाले नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।